भारत सरकार ने पिछले वर्षों से दलितों पर एक नहीं अनेक प्रकार के अत्याचार किए हैं, शोषण किया है, जिसमें निजीकरण, शिक्षा का निजीकरण, उद्योगों का निजीकरण, इसमें आरक्षण समाप्त हुआ है अनुसूचित जाति के लोगों का, गुरु रविदास जी के अनुयायियों का। लेकिन अब इस पर भी उनकी तसल्ली नहीं हुई। इसके बाद इस सरकार ने हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया है, जो असहनीय है। और मैं इतना ही ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना कहना चाहता हूं कि मत छेड़ो इन दलितों को, ये शबनम भी हैं, ये शोले भी हैं, अत्याचारियों के लिए ये बम के गोले भी हैं। आज देश में 2 अप्रैल का आपको याद होगा, बिना किसी नेता के पूरे भारत में इन दलित नौजवानों ने सरकार को हिला दिया था। उसके उपरांत 22 अगस्त को आप लोगों ने देख लिया है, हमारा कोई पॉलिटिकल लीडर उसका नेतृत्व नहीं कर रहा है, उसका नेतृत्व हमारे आदरणीय गुरु जी कर रहे हैं। हमारे गुरुओं के को हमारे संत शिरोमणि गुरु जी का आशीर्वाद है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारे गुरुओं का उद्देश्य है, हमारे मसीहाओं का उद्देश्य है, इस देश में तोड़फोड़ नहीं करनी है, अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार को सुधारने की आदत डालनी है। लेकिन चूंकि बाबा साहब ने कहा था कि ये देश तुम्हारा है, इसकी रक्षा करना भी तुम्हारा अंतिम सांस तक फर्ज बनता है, तो बाबा साहब और बाजी के अनुयायियों ने, गुरु रविदास जी के अनुयायियों ने इस बात को सिर उधारिय करके, और कभी भी किसी भी आंदोलन में मेरे लोग बसों में आग नहीं लगाते हैं, बिल्डिंगें नहीं फूंकते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन इन्हें बदनाम करने के लिए ये मनुवादी व्यवस्था के लोग बीच में कूद जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये देश उनका नहीं है। अगर उनका देश होता तो इस देश में वो जगह जगह तोड़फोड़ ना करते, आगजनी ना करते, क्योंकि कोई भी मालिक अपने मकान को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये लोग बाहर से आए, मांसाहारी थे, मेरे इस देश का हर नागरिक, जिसे आदिवासी मूल निवासी कहते हैं, पूर्ण रूप से शाकाहारी था। लेकिन उसको हमारे संत जानते हैं अच्छी तरह से, गुरु रविदास जी ने इस बात को पूरे ढंग से उसको जनता के सामने स्पष्ट किया है। गुरु नानक देव जी ने भी स्पष्ट किया है, ठगी से, धोखे से, अहिंसा से दूर रहो, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि तमा छोड़ो। तमा का मतलब तंबाकू नहीं है, तमा का मतलब है क्रोध। क्रोध जिससे, क्रोध से बहुत बुद्धि भ्रष्ट होती है, नुकसान होता है अपने परिवारों का भी। लेकिन आज ये सरकार, मैं इसे ही मनुवादियों की सरकार कहता हूं, जिन लोगों को सिर्फ इस देश के आदिवासी दुश्मन दिखाई देते हैं, क्योंकि इनकी संस्कृति आज भी अलग जाहिर होती है। हजारों वर्षों की गुलामी के बाद भी मेरे आदिवासी समाज ने, मेरे मूल निवासियों ने अपनी संस्कृति को उसी तरह से बचा कर रखा है, जैसे मेरी बहन बेटियां अपने चरित्र को बचा कर रखती। मैं
ज्यादा ना कहकर सिर्फ आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार अगर होश में ना आई तो बाघ मारे जी ने जो चिंगारी शुरू की है, हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने जो आज शांतिपूर्ण सांकेतिक धरना रखा है, कहीं ये पूरे देश में एक ज्वाला की तरह ना भड़क जाए, सरकार को इसके लिए चिंतन करने की जरूरत है। अगर गुरु रविदास जी का मंदिर नहीं बनाया गया तो इस उस मंदिर को यहाँ का नौजवान अपने मांस और खून से ईंट और पत्थर की तरह चिन्ह करके तैयार करेगा। और उसको रोकने वाला जब जहां भी ये दलित आगे बढ़ा है, जहां भी हमारे संत आगे बढ़े हैं, उनको रोकने वाला पैदा नहीं हुआ इस देश का मनवादी व्यवस्था में। तो मैं एक बात कहते समाप्त करूंगा, इनके अपने मंदिर, उनमें से हमारे भी मंदिर हैं। आदिवासी शिव आदिवासी थे, हनुमान आदिवासी था, इन्होंने धोखे से उस ऐसे का शिष्य बना दिया, सेवादार बना दिया, जिसके बाप का भी पता नहीं है, इतिहास इसका साक्षी है। तो मैं इस देश में जितने देवी देवताओं के मंदिर हैं, क्या मैं पूछता हूँ वो खरीद कर बनाए गए? क्या वो उनकी संपत्ति है? 60-70% आज देश में वो मंदिर हैं जो मनवादी व्यवस्था के लोग उसमें बैठे हैं और वो कब्जे करके जमीन को बनाए गए हैं। पहले उन्हें तोड़िए, तुमने दम है तो पहले बेइज्जती कर तो अपनी माँ की करो, जिसने ऐसे औलाद पैदा की। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सरकार ने अगर इस पर चिंतन करके गुरु रविदास जी का मंदिर नहीं बनाना प्रारंभ किया तो ये देश के आदिवासी लोग मनुवादियों का मुंह तोड़ करके पूरे देश में इन मंदिरों को तोड़ेंगे और अपने मंदिर बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय जगजीवन, जय गुरु रविदास। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।